बर्फ पड़ गई दोस्तों रात रात में। और वहाँ देखो वो आगे तो बहुत ज्यादा बर्फ पड़ गई है, थार के ऊपर भी जम गई है बर्फ। एटम जम गई है, ये देखो आप। बर्फ पड़ी है हर तरफ, आज निकलना पड़ेगा वरना यहाँ पे ट्रैप भी हो सकते हैं हम। वहाँ आगे तो वैली में पूरी की पूरी सुखनई साइड तो, और रिकनवास तरफ तो पूरी की पूरी वाइट आउट हो चुका है। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन। आज हम यहीं वड़वान में थे, चोइद्रमन विलेज में, जैसे हमने कल रात को दिखाया आपको। तो आज सुबह का हिसाब किताब तो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि रात भर बारिश पड़ी है और मोस्टली जगह वाइट आउट हो चुकी है बर्फ़ से, जैसे कि मैंने आपको जस्ट दिखाया। तो आज तो हमारे को जैसे तैसे निकलना पड़ेगा, और हमारा जो आगे का प्लान था उसको भी कैंसिल करना पड़ेगा कि मरगन टॉप पे जो चार लेक्स हैं वो एक्सप्लोर हम कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बर्फ़ पड़ गई है। और इस वैली का एग्ज़िट सिर्फ एक ही है, वो है मरगन टॉप, और कोई एग्ज़िट है ही नहीं। तो उसी के हिसाब से हमारे को देख कर आज निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा रुकेंगे और कल फिर बर्फ़ पड़ गई, दो दिन बर्फ़ पड़ गई, तीन दिन बर्फ़ पड़ गई, तो फिर हम नहीं निकल सकते यहाँ से, फिर हम ट्रैप हो जाएंगे। फिर जब तक जेसीबी नहीं चलेगी तब तक निकल नहीं सकते आप। रेडी होते हैं, देखते हैं क्या हिसाब किताब है, देन वी लीव। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये मुझे मेरी फ्रेंड दे के गई थी कि अगर आपको ठंड लगेगी तो आपको ये पहनना ही है सुबह तक, फिर मैं उसका मान कैसे ख़राब करूँ। मैंने रात को उतारा था, वो इतनी उदास हो गई थी, और मेरा ये हक बनता है कि मैं सुबह इसको पहन के घूमूं। रणधीर तो ऐसा होगा कि बर्फ़ पड़ गई, और मैं ऐसा होगी अच्छा बर्फ़ पड़ गई। रणधीर सोच रहा अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी, और मैं सोच रही हूँ बर्फ़ में खेलने का। मैं देख के आती हूँ, रणधीर ने मुझे थोड़ा सा दिखाया कि यहाँ से बर्फ़ देख, लेकिन हमें निकलना भी पड़ेगा दोस्तों। ये सही तरीका है। गर्माहट रहती है ना गाइज। हमारा नाश्ता आ चुका है, ये चीनी की रोटी मुझे याद रहेगी जो मैं बनाती हूँ, उसके तो आसपास भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरी तो इसके आसपास भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, हल्की सी मीठी एकदम मस्त। मंसूर भैया अब हम आपको बाय बाय करेंगे, ठीक है? और अगली बार अगले साल अगर आए तो पक्का मिलेंगे, जिस टाइम भी आए हम यहाँ पे ज़रूर आएंगे। और हमारे को यहाँ पे आपके घर में रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप भी कभी दिल्ली आओ ना भैया, तो आप हम मतलब हम नंबर दे के जाएंगे ना, जैसे तो आप में से कोई भी दिल्ली आए तो आप हमें सबसे पहले फ़ोन करोगे, और अगर नहीं करा आपने फ़ोन तो हमारी लड़ाई हो जाएगी, ठीक है? ये देखो गाइस, रियर टायर पे बर्फ, पूरी रूफ पे बर्फ हो चुकी थी, अब थोड़ी पिघली है, थोड़ा मौसम ठीक हुआ। यहाँ सब पे क्लैडिंग पे बर्फ़ जम गई थी, बम्पर पे अभी भी है। ये है चोइद्रमन विलेज, एंड लुक एट दैट, इट्स अ प्रॉपर वाइट आउट ओवर देयर। इस वाले पहाड़ी पे भी है, ओवर देयर वाइट आउट, इधर कम, आगे भी वाइट आउट लग रहा है, कहीं मतलब स्कैटर्ड है थोड़ा, इस गांव में कम है थोड़ा, पर चारों तरफ इर्द गिर्द प्रॉपर वाइट आउट। मरगन पे तो लगता है पूरी बर्फ़ पड़ चुकी है, धूप निकलेगी अभी, थोड़ा वेदर बेटर होगा। ये अपनी आइटम खड़ी, हम इस प्यारे से घर में रहे थे मंसूर भैया के, ये रे कुक्कू। ये है वो ब्यूटीफुल घर जिसने हमें रात भर पना दी, और ये अंकल है मंसूर भैया के पापा, इन्होंने हमारी ये हेड ऑफ़ फैमिली है, और ये इस पूरे गांव के नंबरदार भी हैं। इन्होंने हमारे को बहुत अच्छे से रखा, एकदम राजा की तरह रखा है यहाँ पे, जैसे हम अपने घर पे खुद रहते हैं। और ये हैं फिरदौस भैया, अंकल के सबसे बड़े बेटे के लड़के हैं, एंड दिस इज़ वेयर वी वर स्टेइंग। ये हैं मंसूर भैया जिनसे आप कल से तीन चार बार मिल चुके हो, इन्हीं की बदौलत हम यहाँ पे बैठे हुए हैं आज। अब ये हमारी फैमिली है जिन्होंने हमारे से मिलाया और हमारे को अच्छे से रखा घर की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, ज़िंदगी भर याद हो जाएगा। और जब भी मैं वड़वान आऊँगा ना, अब मैं कैंप लेकर नहीं आऊँगा, अब अपने ही घर आऊँगा। इट इज़ सो मैजेस्टिक राइट नाउ दिस प्लेस एंड दिस फीलिंग दैट आई एम हैविंग।
is unexplainable right now. I can't express the amount of emotion that I'm having right now, but it's just spectacular and out of the world. And it's time for us to leave Vadwan. देख रहा हूँ, ये है मंसूर भैया का घर और ये पड़ता है चौधरमन विलेज में. आप कभी भी यहाँ पर आए, आसन जी का घर पूछना या पूछ लेना चौधरमन गांव के नंबरदार कौन है, उनके घर आपको डायरेक्टली पूछा दिया जाएगा. ये दो लड़के और हैं, इनकी शक्ल याद रख लो. फिर दोस्त भैया हैं इनका नाम, और ये अपने भैया हैं जिनको हमारे को यहाँ पर लेकर आए. जब भी आना तो आसन कुमार अंकल का घर पूछ के आना, सीधा आपको यहाँ लाएंगे, बिल्कुल घर की तरह रखेंगे. मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कहीं और रहने के लिए, सिर्फ यहीं आना. और ये है इनके पड़ोसी जिन्होंने हमें कल रात को बहुत हंसाया, हमारे साथ बहुत बातें करी. ये अभी भाग के आए जाने के लिए कि हम जा रहे हैं. बाय बाय बाय. अपना ध्यान रखना आप लोग ना. चलो अंकल, अल्लाह हाफिज. परमीना हो रही हूँ सुबह. कहाँ, ऊपर से? अरे वहाँ पे. दोस्तों यहाँ से निकलने का मन नहीं कर रहा. अब तो बिल्कुल नहीं कर रहा. मन नहीं कर रहा. ध्यान रखना सब लोग. बाय बाय. बाय हिलाल. बाय बाय. अलविदा कह रहे हैं दोस्तों हम चौधरमन विलेज को, जो जिंदगी भर मेरे को याद रहेगा. और अब ये गांव मेरे टॉप 10 गांव में आ चुका है, जिस लिस्ट में घुसना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. उसमें से एक है नाको और अब है चौधरमन. मेरी टॉप 10 की लिस्ट में घुसना बहुत मुश्किल है, ये UN की लिस्ट से भी ज्यादा मुश्किल था. पर अब ये गाँव मेरे को जिंदगी भर याद रहेगा. बाय गॉड, दिल भर रखा है इस टाइम, ऐसी फीलिंग हो रखी है, दिल भर रखा है. मजा आ गया यार. मौसम बिगड़ा हुआ है, हमें एक्चुअली दिल्ली पहुंचना है, इसलिए हम निकल रहे हैं. तो देखो पहले आज मरगन चढ़ते हैं, अगर मरगन पार हो गया तो आराम से हर जगह पहुंच जाएंगे हम. जहां हमें जाना होगा हम वहां पहुंच जाएंगे. बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस था दोस्तों. वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा दोस्तों. वो फीलिंग है, वो एक्सप्लेनेशन नहीं है. इतना प्यार तो कोई अपना रिश्तेदार भी नहीं करता. आके दोनों लड़कियों ने मुझे इतनी कस के जफ्फी डाली ना, मतलब वो चाह रहे थे कि हम लोग रुके, हम लोग जाए ना, इतनी कस के जफ्फी डाली थी उन्होंने. अब इस गांव में ऐसा रिश्ता बन गया कि अब मैं यहाँ पे दोबारा आऊंगा. इस ब्यूटीफुल गांव को तो अब हम अलविदा कह रहे हैं, लेकिन आज का सफर भी लंबा है ना, और हमें दूर तक जाना है. तो हम अपने गॉड से प्रे करते हैं कि वो हमारा और हमारी एटम का ध्यान रखे, ताकि हम सेफली एंड साउंडली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए और आप लोगों के लिए कुछ जबरदस्त सा कंटेंट क्रिएट करें, ताकि आपको भी ऐसा लगे कि आप हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहे हो. आप आगे व्यू देख पा रहे हो क्या? देख ही पा रहे होगे. कल भी इस रास्ते से हमने कितनी बार रिकॉर्ड किया, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों. सर इजाजत लेते हैं आपकी. आप चले सर? सर आज चले सर, खुदा के हवाले. हाँ जी इजाजत था आज भी. सर आज ना मेरे को दिल्ली से फोन आया, सर मेरे मिस्त्री वहाँ पे जरूरत है. अब यहाँ से पहुँचने में भी 3 दिन लगेगा ना मेरे को आराम से. अच्छा वापस ही चले आप? हाँ. ठहर के चलना था. अब मौसम ठीक है आपको? मौसम बिल्कुल ठीक है, मौसम की कोई चिंता. आपसे ही मिलना रह गया था, वहाँ तो सबसे मिल गया. अल्लाह पाक कैसे, मैं सोचा था मैं घर में ले जाऊंगा आपको, आधे घंटे बैठते हैं, आज बैठना था मेरे घर. अब आऊंगा अंकल, अब तो आता रहूंगा, अब तो मेरे यहाँ घर हो गए 3-4, अब तो मेरे परिवार है यहाँ पे. बहुत सारा घर हो जाए, ये सारे ही घर अंकल. अब तो मैं अगली बार जब भी आऊंगा तो आपके पास आऊंगा. आज बैठना था आपको. आज अंकल थोड़ा घर पे लेट हो रहा है, इसलिए मुझे जाना. मम्मी का फोन है, वरना मम्मी नहीं बुलाती. मम्मी कहती बेटा फोन नंबर देना. हाँ वो उधर मैंने आयशा को दिया घर, सबको नंबर दो नंबर देगा. खुदा के हवाले. अल्लाह बिल्कुल आपको भी सर, ध्यान रखे परिवार का. ठीक है सर जी, खुदा के हवाले.
हम यहाँ पर जब इंशन के चौक पर पहुँचे जो इनिशियली यहाँ का वरवान वैली का गेटवे है, तो वहाँ पे जब हम पहुँचे तो हमें पता लगा कि अभी आगे रोड बंद है। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे जब बर्फ़ पड़ी है तो टॉप पर तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा बर्फ़ होएगी, तो वहाँ पे लोगों को जाने दे नहीं रहे क्योंकि बर्फ़ पड़ेगी तो लोग फंस जाएंगे और फिर उसका नाम ही मरगन है। तो बार बार नेगेटिविटी वाली बातें मत करा कर, सवेरे सवेरे गंद मचा दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि उन्होंने बोला है कि जब परली तरफ से, मतलब कि अदर साइड ऑफ द वैली से कोई गाड़ी आएगी तो हम यहाँ से खोल देंगे। तो एक बंदा कह रहा है मैं सुबह 2 घंटे से बैठा हुआ हूँ, तो मतलब खुलेगा ही खुलेगा, आज नहीं तो दोपहर में खुल जाएगा क्योंकि धूप चढ़ने शुरू हो गई है, ऊपर बादलों में मुझे धूप दिख रही है, छट रही है। आ जाएगा यार, आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं ना तो हमें विश्वास है कि धूप आ जाएगी और मौसम खुल जाएगा और हम मरगन को क्रॉस कर पाएंगे आज। और आसन अंकल ने तो हमें बोला ही है कि बेटा कुछ भी दिक्कत हो तो सोचना नहीं है, सीधा मेरे पास वापस आ जाना है रिटर्न, तो वही हम करेंगे। पर ऐसा मौका भी कहाँ मिलता है यार, आप ब्लॉकेज के कारण आप एक खूबसूरत वैली में वॉक कर रहे हो। जस्ट लुक अराउंड अस। हमें वहाँ को जाना है ऊपर ना। निकल पड़े अब हम वरवान वैली से, क्लियर हो चुका है, ऊपर से 2 गाड़ियां आ चुकी हैं, एंड नाउ वी आर अबाउट टू लीव द प्लेस। पूरे 12 बजे हम लोग वापस निकल चुके हैं अपनी मंजिल के लिए, जहाँ पे हम बीच में हॉल्ट हो गया था, हमारा रास्ता रुका हुआ था, मरगन टॉप जाने नहीं दे रहे थे। अब हमारी गाड़ी मरगन टॉप होते हुए आसानी से नीचे उतर जाएगी, अब गाड़ी रुकेगी नहीं। और अभी पूरे के पूरे 12 बजे, 11:58 12 बज गए पूरे। आज हमारा टारगेट उधमपुर का है। हाँ। जो कि हमारे को पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, बट अगर उससे पहले भी कहीं अच्छा जी करेगा तो रुक जाएंगे। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उधमपुर ही पहुंचना है, बस बेसिकली ये था कि अब यहाँ पर दोस्तों देखो सर्दी का आगमन हो गया, तो हमारे को देखिए ऐसी सिचुएशन में क्यों फंसाना जब नेचर ने एक बार बोल दिया कि मैं आने वाला हूँ। हाँ। क्योंकि आज बंद हुआ। हाँ। अब अगली बार पड़ेगा तो फिर प्रॉपर बंद होगा, और 2-3 दिन के लिए बंद हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते कि हमारी अब जब सीरीज कंप्लीट हो गई है हमें बस घर के जाने के रास्ते में हम लोग रुक जाएं। हाँ, तो फिर वही वाली बात है, फिर हमारे को एक्स्ट्रा फिर खर्चा भी लगेगा और थोड़ा फिर होमसिक भी हो जाता है क्योंकि 1.5 साल बाद निकल रहा हूँ, तो वो हैबिट खत्म हो गई लंबी लंबी राइड्स मारने की, तो 10 दिन में ही होमसिक हो गया हूँ मैं। अब बस हमें एक इम्पोर्टेंट काम है, एक इम्पोर्टेंट काम हमारा रह गया है। मुझे समझ आ गया। समझ आ गया। हम जब मरगन टॉप से उतर के जब वायलू में पहुंचेंगे ना दोबारा कोकरनाग जाते हुए, तो वायलू में हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम है, एक रुक के बेकरी से ना 2-3 केक खरीदने, इतने टेस्टी केक थे वो, ड्राई केक्स, बहुत ही ज्यादा उम्दा केक्स थे वो। और पहले हमने सोचा था कि हम किश्तवाड़ वाले रास्ते से जाएंगे, पर अब मरगन की हालत ऐसी है तो सिंथन तो इम्पॉसिबल है, मना करा है सबने, मना सिंथन तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि वो इससे ज्यादा ऊंचा और सिंथन में और ज्यादा ठंड होती है, बिकॉज सिंथन
एकदम फुट पे पड़ता है ब्रह्मा वन के, विच इज अ पीक अगेन, वेरी हाई पीक, 6000 मीटर पीक है वो। वो बोल रहा है अगर इस बार मार्गन बंद हुआ ना तो तुम सिंथन भूल जाना, सिंथन बहुत डेंजरस होगा, आप लोगों को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, इसलिए जिस रास्ते हम आए हैं हम उसी रास्ते जाएंगे, लेकिन कॉन्टेंट बनाएंगे जबरदस्त। एक थोड़ा सा मेरा मन हल्का सा उदास हुआ कि एक चीज मेरी कैंसिल आउट हो गई है, मुझे चौहर नाग लेक्स करनी थी जो मेन लेक्स हैं इस वैली में, वो भी सबने मना किया, वो क्योंकि अब बर्फ पड़ गई हो तो मरगन टॉप से भी ऊपर जाके आती हैं, ट्रैक करके जाना पड़ता है। मैं उसके लिए उसी ट्रैक उसी लेक्स को देखने के लिए मैं स्पेशली शॉर्ट्स खरीद के आया था और ट्रैकिंग शूज खरीद के आया था, बट वही है वो जो उस दिन जानवर था, बट वो दोनों चीज ही नहीं हो पाई। तो वो अब वो कपड़े मैं अब यहाँ से जब कल उतरूंगा उधमपुर तो शॉर्ट्स पहन लूंगा, यही हो सकता है दोस्तों। और सबने बोला कि मरगन पे ज्यादा रुकना मत, क्योंकि मरगन पे जैसे कि हमें पता ही है कि मौसम हर बार चेंज हो जाता है, और आज तो मौसम ने वाह वाह कर ही रखी है, तो हम सिर्फ जाएंगे और उतर जाएंगे। और यहाँ से आसान है मरगन की चढ़ाई, उतराई मुश्किल है थोड़ी वहाँ से, क्योंकि जब हम वहाँ से चढ़े थे तो हाइट बहुत ज्यादा दिखती है। तो चलो अब सीधा रोड पे फोकस करते हैं, आपको वैली की अदर साइड मिलेंगे। बड़ी फ्रेश फ्रेश बर्फ, इसका स्नोमैन बनाते हो। ये आगे जाम क्यों लगा रखा है, पता कर गया, खबर लेगा, पूछ के आते हो। वो देखो भागी भागी आई। गाइस आगे पता क्या हुआ, आगे लोग रुक के चाय पी रहे हैं, हम लोग आगे जा सकते हैं, मतलब गाड़ी हम बीच में से निकाल सकते हैं, रोड है। हाँ हाँ रोड बीच में जगह है, वो कह रहे थे तो सब मजे से चाय पी रहे अपना, हम भी रुक गए। फिर वो कह रहे आपको अगर शूट करना ऊपर तो आप चलो धीरे धीरे निकलो, सारे पीछे से आ रहे चाय वाले। ऐसी कम तैसी मैं यार, ये तो हम जबरदस्त सीन देख के आए पीछे, मतलब हमें लगा जाम लगा हुआ है और वो लोग सब कहते हैं स्पॉट है, हम लोग चाय वाय पीते, तो सारों ने गाड़ियां रोक रखी थी, सब लोग अपना आपस में मजे कर रहे थे, बातें करते थे, तालियां मार रहे एक दूसरे को। हमने कहा मुझे लगा, मैंने कहा लगा लड़ाई हो रही है और चाटे वाटे तो नहीं पड़ रहे एक दूसरे को, वो तड़ातड़ वो तालियां और हंसने की आवाजें थी। अमर पीछे कोई आ रहा है? नहीं अभी नहीं। अच्छा वो लोग एंजॉय ही कर रहे हैं क्या? मतलब हमें वो लोग कह रहे थे कि मरगन पे रुकना नहीं, मरगन पे चले जाना, और कुछ 10 गाड़ियां रुक के यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। यूज़लेस ट्रक वाले ने भी एकदम रिज पे लगा रखी है और वो भी फुल चाय के मजे ले रहा है। यार एक मिनट रुको, देखूं दिखाऊं मैं आपको। ओ माय गॉड, विंटर वंडरलैंड, वाओ। थोड़ा सा इधर लेके ऐसे बस। Thank you.
हम एग्जैक्ट एक घंटे में मरगन टॉप पर पहुंच चुके हैं। ये खड़ी हमारी जबरदस्त पावरफुल एटम, और जो हमारे सामने ग्राउंड है ना, वो वही ग्राउंड है जहाँ पे हमने कल परसों पूरी घास थी, हमने अपनी वहाँ पे थार उतारी और बैठ के कैंपिंग करी थी और अपने सैंडविचेस बना के खाए थे, चाय पी थी। आज देख लो उसका हाल। पूरा वाइट आउट है, और दोस्तों हमारा डिसीजन सही था रुक कर वेट ना करने का और निकलने का। ये एक दिन में हुआ है दोस्तों, सिर्फ एक नाइट की बारिश में ये ग्रीन से वाइट हो गया पूरा। और बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं कहूँगा मैं दोस्तों, थोड़ी सी बारिश हुई थी और ये काम धंधा हो गया इधर, मतलब इधर तो चप्पा चप्पा चरखा चले। यार ये गाना सुनूंगा वापस जाते हुए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मतलब इट्स एन्चेंटिंग इन अ वे। जैसे नार्निया की फील थी ना, ये वो लग रहा है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। हमने सोचा था कि हम ऊपर ब्लॉग करेंगे ना तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन कैसे हो सकता है कि कुकू एंड शुभू आए और वो बोले ही ना ब्लॉग में। बिल्कुल, क्या खाक ब्लॉग बनाएंगे फिर।